एफएल इंडिया 1858 रुपए का है, आज करीब फ्लैटिश है, लेकिन पिछले कुछ समय में एक अच्छी तेजी दिखा करके और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्या करना चाहिए सर? सर इसमें एक मैं चीज कहना चाहूंगा, जब ये काउंटर 1230 1225 का लेवल ब्रेक कर देगा तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना पसंद करूंगा आप सबको, देखो कोई भी स्टॉक पहले ब्रेकआउट पे ना लिए, क्योंकि जब भी किसी भी काउंटर में ब्रेकआउट आता है तो पहले अटेम्प्ट में ना ले, वो आपके लिए ट्रैप हो सकता है। अगर हम लोग इसका कैंडलस्टिक चार्ट डेली का अगर ओपन कर सकते तो वहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, उसने एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो दे दिया था लेकिन उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं किया, एक शूटिंग स्टार बनाया और उसके नीचे उसने क्या किया, ट्रेड करना चालू कर दिया। तो जब भी मार्केट को अगर किसी भी दिशा में जाना होता है तो वो पहले एक बार फ्लिक जरूर करेगा। तो मेरा ये कहना है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर वो हाई स्पीड से कट जाते हैं तो इसमें रीएंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये राय है। और वो कह रहे हैं नितलेश जी कि जो पहला ब्रेकआउट होता है या उसको और बहुत ज्यादा जब तक कंफर्मेशन ठीक से नहीं हो और बहुत सारी और चीजें जब तक फैक्टर्स प्ले नहीं करें तब तक ट्रैप होने के चांसेस और रिस्क बने रहते हैं। या छोटा छोटा तो प्ले किया जा सकता है, लंबा करने के हिसाब से अलग नजरिया।